हाय गाइस, ये वीडियो खास करके नए स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग अभी रिसेंटली एडमिशन ले रहे हैं फिजियोथेरेपी, रेडियोग्राफी, किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज में और पैरामेडिकल स्टडीज करने के लिए। आप लोगों को कैसे एक सही लेक्चरर को चुनना है, सही कॉलेज में जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, कभी कभार मेरे हिसाब से मैं जो फील करता हूँ, यूनिवर्सिटी कितना बड़ा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लेक्चरर आपको मिला हुआ है, जो डेजिग्नेटेड लेक्चरर होते हैं, जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, वो कितना एक्सपर्टीज है, वो कितना एक्सपर्ट है वो अपने सब्जेक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लेक्चरर मैंने देखा है, बहुत सारे टीचर देखा हुआ है, क्या करते हैं वो लोग, बीएससी में गोल्ड मेडल मिलते हैं, फिर वो लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी करके फिर पढ़ाने चले जाते हैं। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है। आप लोग किसी भी एमआरआई रेडियोग्राफर या किसी भी क्लिनिकल फिजियोथेरापिस्ट को ये पूछ लेना कि सिर्फ बुक में पढ़ाना और प्रैक्टिकल चीजें करना कितनी अलग है। दोनों का कंबाइंड नॉलेज जब मिलता है तभी एक अच्छा प्रोफेशनल बन पाते, वो टीचिंग के लिए भी, आप क्लिनिकल के लिए भी। तो दोनों एक साथ होना जरूरी है। जो लोग लेक्चरर करने के लिए जा रहे हैं, जो लोग टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं, सब लोग यही कहते कि आपको थोड़े साल की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये दो अलग अलग दुनिया है, बहुत ही डिफरेंस है। बहुत सारी चीजें हैं जो बुक में कभी नहीं लिखी होती, जो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज से ही मिलती है। तो जब आपको ये नॉलेज नहीं मिलेगा, आप अपनी स्टूडेंट को कैसे ये चीज़ें कन्वे करोगे, कैसे उन लोगों को समझाओगे, कैसे पढ़ाओगे, जब आपको ये चीज़ें पता ही नहीं है। मेरा एक बहुत अच्छे सीनियर है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, तो बीएससी किया उन्होंने, फिर उन्होंने 2 साल रेडियोग्राफिक में काम किया, मतलब कम सैलरी में भी 2 साल काम किया। तो मैं पूछता था क्यों कर रहे हो आप दादा, तो कहते देख मेरे को जाना है टीचिंग में, टीचिंग में जाने के लिए मैं अभी मास्टर्स करूंगा, एक दो साल में मास्टर्स करूंगा, लेकिन टीचिंग में जाने के लिए मेरे को पहले एक्सपीरियंस करना है कि प्रैक्टिकल में काम कैसे होता है। अगर मेरे खुद को ही नहीं पता कि प्रैक्टिकल में कैसे काम होता है, मेरे को थ्योरी पता है, अब प्रैक्टिकल नहीं पता, फिर मैं थ्योरी पढ़ा के जाऊंगा तो फिर कैसे होगा, ये प्रोसेस सही नहीं होगा। तो उन्होंने 2 साल काम किया, 2 साल करने के बाद मास्टर्स की, मास्टर्स में भी उन्होंने प्रैक्टिकल इंटर्नशिप वगैरह की, तो कंबाइंड नॉलेज हुआ, उसके बाद वो टीचिंग में गया। अब आज के डेट में बहुत सक्सेसफुल है, अभी पीएचडी कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे भी, क्योंकि उनके पास दोनों नॉलेज है। तो जो लोग ये करने जा रहे हैं कि सिर्फ बीएससी कर लिया, मास्टर्स कर लिया, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है, कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी क्लिनिक में प्रैक्टिकल काम नहीं किया और टीचिंग में जा रहे, गलत है भाई, ऐसा मत करो। आप एक अच्छा रेडियोग्राफर, अच्छा फिजियोथेरापिस्ट या अच्छा प्रोफेशनल नहीं बना सकते जब तक आपके पास कंबाइंड नॉलेज नहीं है। और ये खास करके मेरे हिसाब से तो कॉलेज को या यूनिवर्सिटीज को नजर रखनी चाहिए इसमें, कि ऐसे बंदे को रिक्रूट ही ना करे जिसके पास दोनों स्किल या दोनों एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर आप लोग नया ज्वाइन कर रहे हो, जब भी आपको किसी भी कॉलेज में ज्वाइन करते हो, सबसे पहले ये चेक करो, कॉलेज की रेपुटेशन इतना मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है कि आपकी जो प्रोफेसर या जो लेक्चरर, जो भी टीचर आपको मिला हुआ है जो पढ़ाएंगे आपके सब्जेक्ट, सबसे पहले उनकी पूरा एकेडमिक, उनकी जो प्रोफाइल है, प्रोफेशनल प्रोफाइल चेक कराइए, उसके बाद उनके पास कितनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, कितनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये सारा चेक करिए। उसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आता, फिर बोलिए कि मैं ज्वाइन ही नहीं कर रहा। और एडमिशन से पहले भी आप चेक कर सकते हो, आपके पास पूरा राइट्स है, जो लोग नया ज्वाइन करने चाह रहे हैं, पूरा राइट्स है, आप जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, यूनिवर्सिटी की एडमिशन सेंटर में जाके आप चेक कर सकते हो, कॉलेजेस की चेक कर सकते हो। आपको एक छोटा सा मैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल देके बताता हूँ। देखो, अगर एक बंदा जिन्होंने डॉक्टर बनने के लिए या नर्स बनने के लिए या पैरामेडिकल जो भी फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए जितनी पढ़ाई की जरूरत थी, उनने इतना कर लिया, बीएससी, एमएससी, एमबीबीएस, एमडी सब कर लिया। करने के बाद एक बंदा 5 साल क्लिनिकल किया, एक बंदे ने 5 साल टीचिंग किया, ठीक है, दोनों जब कंबाइन होगा तभी एक अच्छा वो प्रोफेशनल या सर्जन या डॉक्टर बनाने के लिए सही रहेगा। जैसे मान लीजिए एक के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का भी, 5 साल का हॉस्पिटल सेटअप में भी एक्सपीरियंस है, जो ये जब कंबाइन होगा तभी आप दूसरे बंदे को सिखा पाओगे। क्योंकि मैं बताता हूँ, जब भी ट्रॉमा में आप, जो लोग ट्रॉमा रेडियोग्राफी करते हैं उन लोगों को पता होगा कि हमें स्कल की रेडियोग्राफी सिखाया जाता है कि 90 डिग्री होनी चाहिए, जो ये बेस लाइन है हमारा, जो सेजिटल लाइन है वो मिड लाइन 90 डिग्री होनी चाहिए कैसेट से। जब ट्रॉमा आता है, मल्टीपल ट्रॉमा होता है, मुंह से खून निकल रहा है, कान से खून निकल रहा है, इतना एंगल नहीं करना होता है, ऐसे हाथ से दबा के पकड़ के एक्सरे करते हैं, अटेंडर को बोलते हैं कि सिर पे पकड़ के रखो और एक्सरे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप फील्ड पे उतरोगे तभी पता चलेगा। अगर ये सब के बिना आप जाके बच्चों को पढ़ा रहे हो, नए बच्चे को पढ़ाने जाओगे, तो उन लोगों को लेस एडुकेशन मिलेगा, लेस नॉलेज मिलेगा, फिर बाद में जाके अच्छा रेडियोग्राफर, अच्छा फिजियोथेरापिस्ट या जो भी बन रहे वो नहीं बन पाएंगे।
तो ये एक मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत बुरा लगता है कभी कभार मैं देखता हूँ बहुत सारे कॉलेजेस में है इंडिया में, तो मैं नाम नहीं लूंगा, मैं गिना सकता हूँ हजारों ऐसे हैं कि ऐसे ही बीएससी किया, थोड़ा बहुत अच्छा एडुकेशन था, उनको बोले टीचिंग में जाना है किसी भी एक छोटे मोटे यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स कर लिया, डिस्टेंस में कर लिया, फिर जाके पढ़ाने लग गए। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप लोग जो लोग नया ज्वाइन कर रहे हो, एडमिशन से पहले ये सारे चीजें पता कर लो। पता करने की तरीका मैंने बताया कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जाके एडमिशन सेक्शन से आप पता कर सकते हो, नहीं पता और उनके नाम निकाल के लिंक्डइन में, फेसबुक, ये सारे चीजों में आप पता कर सकते हो बंदों के बारे में कि कहाँ पे पढ़ाई करी है, क्या उन्होंने क्या करी है, सारे चीजें आप रिसर्च करके फिर ही जाना। आप ये कभी मत करना कि बड़ा यूनिवर्सिटी है चला जाता हूँ, वो मैटर ज्यादा नहीं करता, ज्यादा मैटर करता है कौन बंदा आपको पढ़ा रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोज वगैरह के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे। घूमने आया था मैं होटल रूम से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि घर जाऊंगा अभी 2 दिन में, तो टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक क्विक वीडियो बना दिया। कैंसिल।